हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, आज हम लोग दो चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं मेजरमेंट ऑफ प्रेशर के टॉपिक में, यानी प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में। उसमें से सबसे पहली चीज़ जो है उसे कहते हैं हम लोग मर्क्यूरी बैरोमीटर, ठीक है, या फिर उसको ये भी कहा जाता है टॉरिसेलीज एक्सपेरिमेंट। समझ आ गया? तो मर्क्यूरी बैरोमीटर आपको मैं समझाऊंगा, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मैनोमीटर। क्लियर है? समझ आ गया? तो हम लोगों को दो चीजें पढ़नी है, एक हमारा बैरोमीटर है और दूसरा हमारा मैनोमीटर है। बैरोमीटर क्या करते हैं बच्चों? हमारा एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, लेक्चर में बताया था मैंने सॉरी हमारे एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करके देता है। हम जो बैरोमीटर पढ़ने वाले हैं वो मर्क्यूरी बैरोमीटर हम पढ़ने वाले हैं। वाटर से नहीं बना सकते क्या? वाटर से भी बना सकते हैं, मैं उसके इंप्लीकेशंस बताऊंगा। वाटर से बनाएंगे तो क्या दिक्कत होगी, ठीक है। और दूसरा जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो बैरोमीटर क्या था पहले? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है। मैनोमीटर दूसरा क्या पढ़ने वाले हैं? मैनोमीटर। मैनोमीटर क्या करता है? किसी क्लोज्ड वेसल के अंदर कितना प्रेशर है वो आपको मेजर करके देगा। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं मैं? तो बैरोमीटर क्या करेगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करेगा। और मैनोमीटर क्या करेगा? क्लोज्ड वेसल के अंदर कितना आपका प्रेशर है वो आपको निकाल करके देगा। तो दोनों को बारी बारी पढ़ते हैं। आइए शुरुआत करते हैं किससे? शुरुआत करते हैं हम लोग बैरोमीटर से। किसे शुरुआत करते हैं? बैरोमीटर से। समझ में आ गया, ठीक है ना? इट मेजर्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये क्या करता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करके देता है। क्लियर है? चलिए भाई, आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसको देखिए कैसे ये काम करता है। हम लोग सबसे पहले बच्चों क्या करते हैं? टेस्ट ट्यूब लेते हैं। टेस्ट ट्यूब आपको पता है ना, जो हम लोग लैब में इस्तेमाल करते हैं, केमिस्ट्री लैब में एक टेस्ट ट्यूब हम लोग ले लेते हैं। और एक कंटेनर में हम लोग क्या करते हैं? एक कंटेनर के अंदर हम लोग भर देते हैं मर्क्यूरी। समझ आ गया? कंटेनर में क्या कर दिया हमने? एक कंटेनर में हमने भर दिया मर्क्यूरी। समझ में आती बात? क्लियर है? तो कंटेनर में अपन ने क्या कर दिया? मर्क्यूरी भर दिया और एक हमने ले लिया टेस्ट ट्यूब। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? क्लियर है? तो कंटेनर में अपन ने क्या कर दिया? मर्क्यूरी ले लिया। समझ आ गया, ठीक है ना? मर्क्यूरी यानी पारा, जो अपने थर्मोमीटर में होता है, समझ आ गया, सिल्वर कलर का, ठीक है ना? तो वो अपना क्या है? मर्क्यूरी। वो मर्क्यूरी अपन ने लिया। और क्या करते हैं हम लोग? जो हमारा टेस्ट ट्यूब है ना, वो तो एम्प्टी टेस्ट ट्यूब है। तो मुझे बताओ टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या भरा हुआ होगा? एयर भरी भी होगी। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? मैं चाहता हूँ वो पूरी की पूरी एयर निकल जाए। जैसे हम लोग के पास घर में वो मग होता है, अब मैं क्या कर दूँ उसको? क्या कर दूँ? पानी में लेके जाके पूरा डुबा दूँ, पूरा पूरा क्या कर दूँ? पानी में डुबा दूँ। तो डुबा दूंगा तो क्या होगा? डुबा दूंगा तो पूरा पूरा जो एयर है वो बाहर निकल जाएगी और पानी उसकी जगह ले लेगा। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूँ मैं? क्लियर है? तो यहाँ पर हम भी क्या करते हैं? जो हमारा टेस्ट ट्यूब है उसको लेकर के पूरी तरीके से इसमें डुबा देते हैं। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? अभी जब बाहर था तो उसके अंदर एयर भरी हुई थी, अब मैं क्या करता हूं? पूरा का पूरा टेस्ट ट्यूब क्या करता हूं? इसके अंदर डुबा देता हूं। पूरा टेस्ट ट्यूब डुबा दूंगा तो क्या होगा? ऊपर से लेके नीचे तक क्या होगा? पूरा मर्क्यूरी भर जाएगा। समझ आ गया? फिर इसको ऐसे ही अंदर रखा मैंने और इसको ऐसे थोड़ा सा उठा दिया। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं मैं? तो कुछ ये सिनेरियो हो जाएगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? तो यहां तक का मर्क्यूरी भरा हुआ है, थोड़ा सा मर्क्यूरी बाहर है, थोड़ा सा मर्क्यूरी बाहर आया ना, इस वजह से लेवल थोड़ा सा कम हुआ। समझ आ गया? थोड़ा सा मर्क्यूरी बाहर यहां से निकल गया और उसके बाद यहां पर जो है वैक्यूम क्रिएट हो गया। समझ आ गया क्या बोल रहा हूं? वैक्यूम कैसे क्रिएट हुआ बताओ? पहले उसके अंदर एयर भरी हुई थी, पूरा तुमने क्या कर दिया? उसको कंटेनर में डाला तो पूरा पूरा मर्क्यूरी भर गया। अब तुमने क्या कर दिया? उसको कंटेनर में ही रखते हुए क्या कर दिया? इसे थोड़ा सा उठा दिया। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? मर्क्यूरी यहाँ से बाहर निकला और यहाँ पर क्या है? मर्क्यूरी था, तो मर्क्यूरी तो वो जो यहाँ पर था वो नीचे चला गया और यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा। तो यहाँ क्या बच गया? क्या 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 हो गया यहाँ पर? यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट हो गया। बस समझ में आ गई, क्लियर है? तो बच्चों यहाँ पर क्रिएट हो गया वैक्यूम। वैक्यूम मतलब यहाँ पर कुछ भी नहीं है। प्रैक्टिकली वहाँ पर मर्क्यूरी के वेपर्स होंगे, निग्लेक्ट करेंगे हम लोग उसको। तो यहाँ पर प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं है, यहाँ पर कुछ नहीं है। जब कुछ नहीं है यानी कोई मटेरियल नहीं है, तो ये लेयर को कोई दबाएगा नहीं। यानी ये वाला पॉइंट अगर ए मानेंगे हम लोग तो पीए क्या होगा? जीरो होगा। क्यों जीरो होगा? अरे वहां पर कुछ है ही नहीं ना। या अगर एयर है तो इसको क्या कर रही है? सरफेस को प्रेस करेगी। अब एयर है ही नहीं तो प्रेस ही नहीं करेगी। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं मैं? तो यहां पर प्रेशर तो जीरो हो गया। अब यहां पर देखो ये पॉइंट को क्या बोलो तुम? सी बोलो। ये पॉइंट पे तो प्रेशर क्या होगा? एटमोस्फेरिक प्रेशर होगा। क्यों? अरे भाई एयर के कॉन्टैक्ट में, तो एयर उस पर प्रेशर एग्जर्ट करेगी। तो ये वाला प्रेशर क्या होगा? ये वाला तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा।
मर्क्यूरी, आप क्या करो, ये टेस्ट ट्यूब के अंदर जाओ, इसी सेम लेवल पे ये पॉइंट बी बोलो, तो यहां पर भी क्या होगा, अरे ये तो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे, तो हम लोग बोलेंगे कि PB इक्वल्स टू PC। ये आपको बताया था मैंने कि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर प्रेशर सेम होता है, इसका मतलब B का प्रेशर C का प्रेशर इक्वल हो गया। बात समझ में आ रही है, क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है? तो ये अपने को समझ में आ रहा है। अजान हो रही है, कंटिन्यू करते हैं अजान की बात के लिए। देख रहे थे कि यहां पर क्या हो गया, B और C का प्रेशर तो सेम होगा। क्यों सेम होगा बी और सी का प्रेशर? क्योंकि देखो ध्यान से भाई, सी और बी सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे है, तो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे होने की वजह से प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। ये आपको बताया था मैंने, ठीक है ना? ठीक है, चलो भाई इसको क्या करते हैं, बन देते हैं, क्लियर है? अब एक और चीज यहां पर समझो, मैंने आपको कल ही सिखाया, लास्ट लेक्चर में ही सिखाया था, कुछ लेक्चर पहले, प्रेशर ड्यू टू अ लिक्विड कॉलम, कल ही सिखाया था कि बेसिकली क्या होगा अगर आपको क्या करना है, किसी फ्लूइड कॉलम में दो पॉइंट्स के बीच में प्रेशर डिफरेंस अगर निकालना है तो वो किसके इक्वल आता है, रो जी एच। समझ आ गया, क्लियर है? देखो बॉडी फोर्स कहाँ है, नीचे है, एम जी नीचे लग रहा है, तो बॉडी फोर्स यहाँ है, तो बॉडी फोर्स के डायरेक्शन में जाओगे तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा, इसका मतलब बी पे ज्यादा होगा, ए पे कम होगा। तो यहां पर मैं लिखूंगा पी बी माइनस पी ए इज इक्वल्स टू रो जी, ये वाली हाइट को बच्चों अपन ने मान लिया एच। समझ आ गया, रो जी एच। बात समझ में आ गई, क्लियर है? तो ये अपने को बात समझ में आती है। अच्छा यहां पर देखो ध्यान से, ये पी ए तो जीरो हो गया। क्यों जीरो हो गया? अरे स्टार्ट में ही बताया था वैक्यूम है, वैक्यूम मतलब यहां पर कुछ भी नहीं है, तो ए पे तो प्रेशर कुछ होगा ही नहीं, तो देयरफॉर पी बी क्या आया, पी बी आया रो जी एच। समझ आ गया, तो ये हो गया अपना क्या, टू। समझ आ गया, क्लियर है? एक और चीज, सी पे जो प्रेशर है वो कौन सा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एंड पी सी इज इक्वल्स टू क्या है, पी एटमॉस्फेयर। इसको आप लोग क्या कर देना, थ्री, वन टू और थ्री को आप क्या करो, कंबाइन करो। देखो ध्यान से, पीबी क्या है, पीबी है रोजीएस, या रोजीएस दो, रोजीएस किसके इक्वल आया, पीसी, और पीसी किसके इक्वल है, पी एटमॉस्फेयर, देयरफॉर पी एटमॉस्फेयर इज रोजीएच। निकाल लिया तुमने, समझ आ गया, लिक्विड तुमने कौन सा इस्तेमाल किया है, इस वजह से तुमको तुमको पता होगा कि उसकी डेंसिटी क्या है, तो डेंसिटी इसकी मैंने रो मानी थी, वो तुमको पता है, जी का वैल्यू अपने को पता है, हाइट तुम मेजर कर लोगे। बस समझ में आ गई, क्लियर है? तो आप रो जी एच का वैल्यू जैसे ही पुट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, पी एटमॉस्फेयर मिल जाएगा, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर मिल जाएगा। यही प्रैक्टिकल तरीका है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने का। समझ आया, क्लियर हुआ, समझ आ गया? तो बहुत सिंपल तरीके से आपको मैंने समझाया कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर कैसे करते हैं। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करेंगे, और यहां पर जो है हम लोग हाइट भी निकाल लेते हैं, हमको पता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, तो हम हाइट निकाल लेते हैं कि बेसिकली ये कितनी हाइट तक ऊपर चढ़ा होगा, ठीक है ना? ये हाइट हम लोग क्या करते हैं मर्क्यूरी के लिए निकालते हैं, तो कैसे आएगा क्या आएगा वो बता देता हूँ मैं, आई होप आपको ये क्लियर होगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, अगर मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू पुट कर देता हूँ, वो हमको पता ही है 1.013 × 10⁵ पास्कल, ठीक है? तो हम लोग क्या करते हैं, पी एटमॉस्फेयर क्या आया हम लोगों का, रो जी एच आया, ठीक है ना? तो जब मैं क्या करूंगा, एच निकालने की कोशिश करूंगा, तो क्या होगा, पी एटमॉस्फेयर डिवाइड बाय क्या होगा, रो इंटू जी, ठीक है ना? तो ये आपके पास हाइट का फॉर्मूला है, तो आप पहले क्या करो, हाइट फॉर मर्क्यूरी निकालो, एच जी के लिए हाइट निकालो, तो पी एटमॉस्फेयर इज 10⁵, ये कितना होगा बताओ, 13,600 मैंने लिखवाया था ये किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और इसको क्या करो 9.8। समझ आ गया, जब तुम इसको कैलकुलेट करोगे दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी, ये आती है हाइट। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, क्लियर है? तो आपका हाइट क्या आया, हाइट आया 76 सेंटीमीटर। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, क्लियर है? तो उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ऐसे हाइट के टर्म्स में भी लिखा जा सकता है, 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी। उसका मतलब ये नहीं सोचना कि जो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसका यूनिट, यानी प्रेशर का यूनिट सेंटीमीटर हो गया, प्रेशर का यूनिट लेंथ के टर्म्स में नहीं, लेंथ नहीं हुआ है, हमने बस क्या बताया है, हमने सिर्फ ये बताया कि 76 सेंटीमीटर का जो मर्क्यूरी कॉलम है वो जितना सरफेस पे प्रेशर एग्जर्ट करेगा उतना प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है। जैसे मैं आपको कहूं कि यहां पर मेरे हाथ पे कितना प्रेशर है, तो यहां पर आप क्या कर दो, यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी, तो आप 76 सेंटीमीटर का क्या करो, एक मर्क्यूरी कॉलम ले आओ, वो 76 सेंटीमीटर का मर्क्यूरी कॉलम जो मेरे हाथ पे प्रेशर एग्जर्ट करेगा वो प्रेशर है उसका। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, क्लियर है? तो अगर आपसे कह देता है कोई कि प्रेशर है x सेंटीमीटर ऑफ एच जी, मतलब क्या,
एक्स सेंटीमीटर का कॉलम सरफेस पे जितना प्रेशर एग्जर्ट करेगा उतना प्रेशर है। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रेशर का यूनिट सेंटीमीटर हो गया या प्रेशर लेंथ की इक्विवेलेंट हो गया, समझ आ गई, ये गड़बड़ मत कर देना। तो ऐसे भी इसको एक्सप्रेस किया जा सकता है, समझ आ गई बात, क्लियर है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा जब हम लोग गैसियस स्टेट पढ़ रहे थे तो ऐसा क्यों लिखा था 76 सेंटीमीटर ऑफ एचजी, वहां पर भी बताया था मैंने बैरोमीटर के बारे में, यहाँ थोड़ा सा और डिटेल में बता दिया मैंने आपको, क्लियर हो गया बात, समझ में आ गई। तो ये ऐसे है आपका बैरोमीटर, ऐसे ही एक वर्क करता है। इसमें एक और चीज आपको बता दूं मैं, इसमें तो 76 सेंटीमीटर आ रहा है, हमारी जो छोटी स्केल होती है वो 15 सेंटीमीटर की होती है, तो 76 सेंटीमीटर बहुत बड़ा नहीं होता, 76 सेंटीमीटर हमारा किसका आया, मर्क्यूरी की हाइट आई, ठीक है ना। अब अगर अपन यही चीज क्या करें ना वाटर के लिए रिपीट करें, यही चीज क्या कर दें अगर वाटर के लिए रिपीट कर दें, तो H फॉर वाटर, तो यानी क्या, यानी मर्क्यूरी की जगह मैं क्या कर दूं उसमें वाटर ले लूं, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, तो वाटर की लग रही है, यानी वाटर से बैरोमीटर बनाया जाए तो क्या होगा, पी एटमॉस्फेरिक 10^5 मान लो, ये 1000 हो जाएगा और ये अप्रोक्सीमेटली 10 हो जाएगा, समझ में आ गया, यहाँ से कैंसिल होकर के ये क्या बचेगा, 10 बचेगा, 10 मीटर, कुछ समझ आ रहा है तुम लोगों को, ये कितना बच रहा है, 10 मीटर बच रहा है, समझा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप वाटर लेंगे तो वाटर कितनी हाइट तक जाएगा, 10 मीटर, 10 मीटर बहुत बड़ा होता है, समझ आ गया। तो अगर अपन बैरोमीटर बना भी लेंगे तो प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि रीडिंग कैसे लेंगे उसकी, आपको सीढ़ी पे चढ़ के रीडिंग लेनी पड़ेगी, 10 मीटर इतना बड़ा होता है। इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, वाटर नहीं इस्तेमाल करके क्या लेते हैं, हम लोग मर्क्यूरी लेते हैं, बस समझ में आ गई, क्लियर है। तो सेम चीज़ वाटर के साथ पे भी हो सकती है, लेकिन मर्क्यूरी क्यों लेते हैं वो आपको मैंने समझा दिया, ठीक है ना, बैरोमीटर में। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा अभी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर इससे, ये चीज भी लिखा देता हूं भाई, वरना गड़बड़ करोगे तुम लोग, याद रखो इसको अच्छे से। अगर प्रेशर ऐसा लिखा हुआ है, प्रेशर इज इक्वल्स टू एक्स सेंटीमीटर ऑफ एचजी, मतलब क्या, इसका मतलब होता है मर्क्यूरी का एक्स सेंटीमीटर का कॉलम जितना प्रेशर एग्जर्ट करेगा उतना प्रेशर है सरफेस पर, समझ में आ गया, सरफेस पर कितना प्रेशर है एक सेंटीमीटर का, अब एक 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, तो 10 सेंटीमीटर का मान लो, तो 10 सेंटीमीटर का मर्क्यूरी कॉलम जितना सरफेस पर प्रेशर एग्जर्ट करेगा उतना प्रेशर है। तो ऐसे भी इसको एक्सप्रेस किया जा सकता है, इसको लिखी गया अच्छे से, है ना, तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए, क्लियर हो गया। चलो अभी आगे बढ़ते हैं, फिर आगे क्या है इसके बाद, बच्चों अब बच गया हमारा क्या, मैनोमीटर। तो मैनोमीटर समझा देता हूं मैं, मैनोमीटर क्या है, देखो ध्यान से। तो नेक्स्ट अपना क्या बचता है अभी, उसको कहते हैं ओपन ट्यूब मैनोमीटर, क्या कहते हैं, ओपन ट्यूब मैनोमीटर। तो ओपन ट्यूब मैनोमीटर जो होता है हमारा, ये क्या करता है, इट मेजर्स प्रेशर इनसाइड क्लोज्ड वेसल, एक क्लोज्ड वेसल के अंदर जितना प्रेशर है वो उसको मेजर करके आपको देता है, कौन, ओपन ट्यूब मैनोमीटर। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं, क्लियर है। चलिए भाई आइए इसको थोड़ा सा हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं, कैसे होता है ये देखिए, कुछ ऐसे होता है ये, ऐसे कुछ होता है, ठीक है, क्लियर है। तो ये यू शेप ट्यूब होता है आपके पास, यूट्यूब मैनोमीटर भी कहते हैं इसको, यू शेप ट्यूब, समझ में आ गया। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ज़्यादातर गैस भरी हुई होती है, लेकिन कोई और लिक्विड भी हो सकता है, तो मान लो यहाँ पर क्या है, कोई गैस भरी हुई है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास कोई गैस है, और एक हमारे पास क्या है, यहाँ पर फ्लूइड भी है, एक हमारे पास यहाँ पर फ्लूइड भी है, जो ज़्यादातर मर्क्यूरी ही होता है, समझ में आ गया। तो ये हमारे पास क्या है, फ्लूइड है, और ज़्यादातर क्या होता है, फ्लूइड मर्क्यूरी होता है, ठीक है, मान लो यहाँ तक भरा हुआ है, ठीक है, क्लियर हो गया। चलो भाई अब यहाँ पर क्या है, ये जो गैस है ये यहाँ पर क्या कर रहा होगा, यहाँ पर प्रेशर एग्जर्ट कर रहा होगा। गैस के हर पॉइंट पर प्रेशर क्या होता है, सेम होता है, तो जितना प्रेशर यहाँ होगा उतना ही प्रेशर यहाँ होगा। तो अगर ये वाला प्रेशर मिल जाएगा, यानी गैस का, अंदर की गैस का प्रेशर आपको मिल जाएगा, बात समझ में आ रही, क्लियर है। तो इस वजह से हम लोग क्या करेंगे, ये गैस के प्रेशर की वजह से ये ऊपर की तरफ नहीं जा पा रहा, बात समझ में आ गई। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बच्चों
एटमॉस्फेयर है, पी एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बात समझ में आ रही, क्लियर है? तो यहाँ पर जो है आप अगर ऐसे एक लाइन खींचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो दो पॉइंट है, ये जो दो पॉइंट है, एक पॉइंट ए बोलो एक पॉइंट बी बोलो, ये दोनों पे प्रेशर सेम होगा। क्यों होगा बताओ, क्यों सेम होगा? लिक्विड सेम है, साथ साथ में सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे हैं, इसका मतलब क्या होगा, पीए और पीबी भी क्या होगा, प्रेशर सेम होगा। बात समझ में आती, क्लियर है? एकदम आसान है। और पीए पे प्रेशर क्या होगा बताओ, ये तो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल आ जाएगा, ठीक है ना, इसको वन दे दो, है ना। एंड पीए क्या होगा, पीए तो पी गैस होगा, पीए पे कौन सा प्रेशर होगा, जो गैस का प्रेशर होगा वही होगा, ये गैस क्या कर रही है, यहां पर प्रेशर एग्जर्ट कर रही, वही पीए पे प्रेशर होगा। तो पीए क्या है, पीए तो पी गैस है। बात समझ में आगे, क्लियर है? उसके बाद यहां पर ये हाइट जो है ना, यहां से यहां तक की इस हाइट को अपन एच बोल देते हैं, ये हाइट क्या है आपकी, एच है। समझ आ गई बात, क्लियर है? तो देयरफॉर ध्यान से देखो, ये फ्लूइड है, फ्लूइड कॉलम है, उसके दो पॉइंट्स पे आपको क्या करना है, प्रेशर निकालना है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? तो कैसे निकालोगे प्रेशर, बहुत आसान है, ये पॉइंट सी बोल दो आप लोग, है ना। तो इन दो पॉइंट्स पे कैसे प्रेशर निकालोगे, बहुत आसान है, आपको अभी कुछ लास्ट टू लास्ट लेक्चर में ही बताया था मैंने, डिफरेंस लेने का दोनों, ज्यादा कहाँ पर होगा, बी पे ज्यादा होगा। तो पी बी माइनस पी सी इज इक्वल टू क्या होगा बताओ, रो जी एच होगा। क्लियर हो गया, बात समझ में आ रही है? लेकिन पी बी किसके इक्वल है, पी ए के इक्वल है, तो यहाँ पी ए हो जाएगा। पी ए माइनस पी सी क्या है, अरे पी सी तो पी एटमोसफियर है, यही तो पी सी है ना, सी पे कौन सा प्रेशर है, एटमोसफियर का, पी एटमोसफियर है, और ये क्या है, रो जी एच। तो देयरफॉर, देयरफॉर क्या बचा, देयरफॉर यहाँ कर देते हैं इसको, पी ए, पी ए किसके इक्वल है, पी ए तो पी गैस के इक्वल है, तो पी गैस इज इक्वल्स टू, या पी गैस माइनस पी एटमोसफियर इज इक्वल्स टू क्या होगा, रो जी एच, यही तो गॉस प्रेशर है, देयरफॉर पी गैस क्या हो जाएगा, पी गैस हो जाएगा पी एटमोसफियर प्लस रो जी एच। आ गया, समझ आ गया? तो इतनी आसानी से क्या कर सकते हैं ये आप लोग, मैनोमीटर इस्तेमाल करके, ओपन ट्यूब मैनोमीटर, गैस का, एनक्लोज गैस का प्रेशर निकाल सकते हैं। वापस बताऊं एक बार, यहाँ पर गैस भरी हुई है और यहाँ पर कोई आपका फ्लूइड है, ज्यादातर क्या होगा, मर्क्यूरी होगा, ठीक है। अब ये गैस क्या कर रही होगी, ए पे प्रेशर एग्जर्ट कर रही होगी, गैस के हर पॉइंट पे प्रेशर क्या होता है, सेम होता है, तो जितना यहाँ होता है उतना ही यहाँ पर भी होगा। तो ए पे क्या है, ए पे गैस का प्रेशर है, ए पे क्या है, गैस का प्रेशर है, और ए और बी पे प्रेशर सेम होगा। क्यों सेम होगा, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे, तो पी और पी भी क्या होगा, इक्वल हो गए, और ए का प्रेशर क्या है, गैस का प्रेशर का इक्वल है। अब क्या, ये आपका फ्लूइड कॉलम है, फ्लूइड कॉलम पे आपको मैंने प्रेशर डिफरेंस लिखना सिखाया है, पी बी माइनस पी सी इज इक्वल टू क्या होगा, रो जी एच। समझ में आ गया, इसका इसका क्या माना, रो माना ना अपन ने डेंसिटी, तो रो जी एच, समझ आ गया, वो अपन ने यहां लिखा रो जी एच, पी बी माइनस पी सी इज इक्वल टू रो जी एच। अरे लेकिन पी बी क्या है, पी बी तो पी ए के इक्वल है, और पी ए क्या है, पी ए तो पी गैस है, पी सी क्या है, पी एटमोसफियर है, सी पे क्या है, एटमोसफेरिक प्रेशर है, वही आ गया। तो आप लोग क्या करोगे, हाइट को मेजर कर लोगे, समझ आ गया, हाइट मेजर कर लो, डेंसिटी आपको पता ही होगी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको पता ही होता है, तो उस तरीके से आपको क्या मिल जाएगा, गैस का प्रेशर। समझ आ गया? तो बच्चों यहां पर हमारा जो हाइड्रोस्टैटिक्स का पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। फिर आपकी टेक्स्ट बुक में आप लोगों को सर्फेस टेंशन दिया हुआ है, तो अब मैं सर्फेस टेंशन स्टार्ट करूंगा, वो मैं आपको कराऊंगा सर्फेस टेंशन, और इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, विस्कोसिटी, फिर हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोडायनेमिक्स। तो अब तक क्या पढ़ा था, फ्लूइड रुका हुआ है, तो फ्लूइड रुका हुआ वाला पार्ट हो चुका है, यानी फ्लूइड एट रेस्ट हो चुका है, हाइड्रोस्टैटिक्स कंप्लीट हो गया। इसके बाद के लेक्चर्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे, सरफेस टेंशन, ठीक है। कोई डाउट हो तो हमको कमेंट सेक्शन में बताइए, इंस्टा पे हमको बताइए, और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करिए। ओके, थैंक यू।